हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीड आई टी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, करियर को लेके ना बहुत से लोगों को बहुत से डाउट रहते हैं कि उन्हें कौन से फील्ड में अपना करियर सोचना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़्यादातर डेटा साइंस के बारे में रेगुलर रिकमेंड करता रहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका सिर्फ फ्यूचर ही अच्छा होने वाला है, बल्कि ये दोस्तों आज प्रेजेंट में अगर बात की जाए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके थ्रू लोगों को अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है, अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, तो डेटा साइंस उसमें सबसे नंबर वन में आता है। आपको मैं एक बार गूगल भी करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट क्या करियर ऑप्शन अच्छा हो सकता है 2024 में। तो यहाँ पे जैसे कि है ना, रिजल्ट सामने आ रहा है कि अगर आप डेटा साइंस में करियर बनाते हैं तो आपकी सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, बल्कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और यही रीज़न है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी इंडिया में 1 लाख+ जॉब ओपनिंग डेटा साइंस के फील्ड में है। इस ओर आप भी करियर भी बना सकते हैं। तो कैसे आप इस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। मैं अगर एक बार इसको थोड़ा सा यार डिस्कस करूं कि अगर मैं डेटा साइंस के फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता हूं तो मुझे क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फील्ड अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम इनके करियर ऑप्शंस की बात कर लें, खासकर डेटा साइंस की बात करें, तो डेटा साइंटिस्ट से आप अपना करियर स्टार्ट करते हुए सीनियर डेटा साइंटिस्ट और लास्ट में आप चीफ डेटा ऑफिसर के रूप में अपना करियर बनाते हैं। और वहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप है ना, जब अपना करियर चालू करते हैं तो आप फ्रंट एंड के साथ या फिर किसी टेक्नोलॉजी के साथ चालू करते हैं, और सिक्योरिटी इंजीनियर के साथ अपने रोल को आप एंड करते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ली जाए दोस्तों, बात कर ले कि यार सैलरी कंपैरिजन के बारे में, तो डेटा साइंटिस्ट को अगर इंट्री लेवल की बात कर ली जाए तो अभी जो एवरेज पैकेज है वो 3.5 LPA से लेके है ना स्टार्ट होता है, जो कि बढ़ते हुए जाता है, जो कि दोस्तों 2 मिलियन तक जाता है। वहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर लें तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं 2.5 से लेके 1 मिलियन तक जाता है। लेकिन मतलब बोला जाए तो दोस्तों ऑलमोस्ट है ना डबल का डिफरेंस आता है अगर हम अभी की बात करेंगे तो, क्योंकि डिमांड अभी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है डेटा साइंस के फील्ड में। तो ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और इस फील्ड में बहुत अच्छी बात ये भी दोस्तों कि जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी इस फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए रहेगा रिक्वायर्ड नॉलेज। अगर वो रिक्वायर्ड नॉलेज आपके पास होगा तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ऐसे में आप इसे सीखना चालू करना चाहते हैं तो फ्री पे यूट्यूब एक बेस्ट मीडियम है जहाँ से आप सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर ये आती है कि किस तरीके के रोड मैप को हम फॉलो करें। साथ में प्लेसमेंट को लेके बहुत सारी दिक्कत आती है कि यार कैसे हम अप्लाई करें डेटा साइंस पे, तो अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा नहीं मिलती है, मार्केट में पता नहीं चल पाती है, या फिर हायरिंग ना के बराबर हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे आप डेटा साइंस की स्किल को सीख के प्लेसमेंट तक की टेंशन है ना आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह डेटा साइंस में करियर बनाने का सोच रहे थे और उन्होंने है ना एक स्टेप लिया, उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आज वो आज अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट लगा चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लंबी स्टोरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इन सब का आप प्रोफाइल जनरली प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं लिंक्डइन में। इन सारे लोगों ने दोस्तों डेटा साइंस के फील्ड में एक्शन लिया, एक्शन लिया मतलब इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आज ये अच्छे कंपनी में प्लेस हैं। और ऐसे बड़ी सी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी, सक्सेस स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दूंगा, आप जरूर एक बार चेक करिएगा। और इसमें वो सारे लोग हैं जो कि फ्रेशर थे, डेटा साइंस में करियर बनाना चाह रहे थे, या फिर जिन्होंने करियर पे गैप ले लिया था, 10 10 साल का गैप ले लिया था, या कुछ लोगों ने दोस्तों अपना करियर किसी और फील्ड में स्टार्ट किया था और वो डेटा साइंस वाली टेक्नोलॉजी ऑप्ट करना चाह रहे थे ताकि उनका करियर बहुत अच्छा हो। तो आप भी अगर ये सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, डेटा साइंस का है ना ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको यार प्लेसमेंट तक है ना पूरा पहुंचाता है, और वो है ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स। एक ऐसा प्रोग्राम दोस्तों जो कि आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए रेडी ही सिर्फ नहीं करता, बल्कि प्लेसमेंट तक आपको पूरा असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखा दूँ, 500 से ज़्यादा इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं। हर वो बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके बारे में आप जानते होंगे, IT कंपनी में आप देख सकते हैं कंट्रोल एस, एसेंचर, इसके अलावा देख सकते हैं TCS, ऐसी ईसी काउंसिल, ऐसी कई कंपनियां हैं दोस्तों जो कि इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं। स्पेशली उन लोगों को हायर करते हैं जिन्होंने इनके बूट कैंप को किया हुआ है, क्योंकि इनके जो भी एलुमिनीज निकले हैं दोस्तों उनका इतना अच्छा काम रहा है डेटा साइंस का कि है ना ये कंपनियां बार बार है ना इनके जो भी लर्नर हैं उनको हायर करती है। और डेटा साइंस का कोर्स अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 6 महीने में आप जॉब रेडी हो जाते हैं और आप लोगों को यार प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है और अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यार प्लेसमेंट तक ये कभी है ना साथ नहीं छोड़ते हैं, पूरी प्लेसमेंट की तैयारी भी, मतलब कैसे आपको इंटरव्यू में बैठना है, कैसे रिज्यूम बना,
ये सारा चीज़ भी ये प्रिपेयर आपको कराते हैं। नई क्लास 27 जनवरी से चालू हो रही है और इनकी सीट काफ़ी जल्दी फिल हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर अपने किसी दोस्त को इसे रिकमेंड करना चाहते हैं तो उसे ज़रूर बता दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 92.8% तक का सैलरी हाइक भी मिलता है, जो और किसी फील्ड में है वो अगर इस तरह के फील्ड में जाते हैं तो इनके काफ़ी अच्छे एलुमनीज को हाइक मिला हुआ है। 500 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, 4,000 से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स हैं इनके। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप करियर गैप ले लिए हैं, करियर में ट्रांजिशन जाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, करियर को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप इनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात कर लीजिए दोस्तों कि इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मैं चाहूंगा आप जरूर खुद से भी चेक करें, वैसे आपको बता देता हूँ। कोर मॉड्यूल भी यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए तो इसमें आपको एसक्यूएल फंडामेंटल, एसक्यूएल एडवांस, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, पावर बीआई, जनरेटिव एआई ये पढ़ाया जाएगा। बोनस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बीआई एडवांस, स्टोरी टेलिंग आप देख सकते हैं, डेटाबेस, जीपीटी, एनएलपी ये सारी चीजें सिखाई जाती है। करियर का भी आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सेट किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस डेवलपर ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते रहते हैं। टूल्स में आप ये सारे टूल्स, पाइथन, माई एसक्यूएल, गिट ये सारी चीजें सीखते हैं। तो साथ में आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, और वो भी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाता है, जैसे कि COVID-19 प्रोटेक्शन, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, तो ये सारी चीज आप इसमें करते हैं। और लर्निंग के साथ साथ प्लेसमेंट डिसीजन का भी फायदा आपको यहाँ पे मिलता है, जिस वजह से मैं आपको हमेशा इसको रिकमेंड करता हूँ। अब अगर बात कर लीजिए फीस के बारे में, तो फीस इसकी है दोस्तों 75,000 प्लस GST, जिसमें आप अभी है ना अगर अप्लाई करते हैं तो आपको EMI के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आप इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आप जिसके थ्रू आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा उस पर क्लिक करना है, और अगर आप अभी इस पे अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे है ना जो फीस जो देनी होगी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो वो है 75,000 प्लस GST, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। 10,000 रुपीज तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसके लिए अभी इनरोल करते हैं तो, और ये लिमिटेड सीट के लिए अवेलेबल है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो भी प्लेसमेंट पाना चाहते हैं वो इसका फायदा उठा पाए। अगर इंटरेस्टेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म आपके सामने आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी डाल के रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पे क्लिक करिए, स्कॉलरशिप भेज दीजिए, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनके काउंसलर से बात कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।